माँ एक ऐसा शब्द है जो बच्चा अपने जन्म के बाद सबसे पहले पुकारता है और सबसे अधिक भरोसा भी वह अपनी माँ पर ही करता है। कहा भी गया है कि पूत का पूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, लेकिन इस कलयुग में सब कुछ संभव है। जहाँ पैसों ने इंसान को हैवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मानवता को शर्मसार करने वाले ऐसे ही एक मामले में जिला सत्र एवं न्यायालय ने एक माँ को अपने सौतेले बेटे को जहर देकर मारने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो आइए जानते हैं इस घिनौने कृत्य के पीछे की वजह। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है जिसमें कि एक मां ने अपने सौतेले बेटे को जहर देकर मार दिया था, जिसका आवेदन उसके पिता राजू परियार ने थाना मुरार में दिया था, जिस पर उसकी घटना अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसका लंबी गवाहों की फहरिस्त के बाद इसमें आज न्यायालय का फैसला आया है। उक्त मामले में जो राजू परियार का नितिन लड़का था, तो राजू परियार की दूसरी बीवी एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसके 8 लाख रुपए नितिन को मिले थे। जब उसकी सौतेली माँ को इस बात का पता चला तो उसने नितिन को जहर देकर सुला दिया। जब पिताजी को लौट के आने के बाद इस घटना की खबर लगी तो उन्होंने इसके खिलाफ अपराध दर्ज कराया। आज न्यायालय का फैसला आया, इसमें आराधना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।